देखो दुनिया। तो भाइयों कैसे हो आप लोग? तो आपके लिए और एक गेम प्ले के साथ हाजिर हूँ मैं। तो सीन ऐसा होता है कि मैं उतरता हूँ यासनाया, तो बिल्कुल पास वाले बिल्डिंग में बंदे थे और मेरा एचपी और हेल्थ के नाम पे कुछ नहीं था। देखो कैसे पकड़ता हूँ उसको। क्या हाल है भाई? नेट कैसा था ब्रो? हेलो। तो इतने में बाहर से और एक बॉट का फूटा था, देखो कैसे किल चुरा था। अरे भाई भाई, तो यासना से निकल के हम लोग जा रहे थे अपार्टमेंट की तरफ कि तभी जो ओपन में गाड़ी दिखता है सामने सामने गाड़ी है और स्मोक भी हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड में इधर स्मोक हुआ है, देखो देख क्या। इतना बोला ही था, हमारे दोनों के दोनों बंदे नॉक, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या सीन होता है हमारे साथ और कैसे बचाता हूँ। तो यहाँ पहुँच के रिवाइव भी कर रहा था कि तभी गंदे तरह से पड़ता है मुझे गोली, तो लेफ्ट में जाता हूँ थोड़ा और फिर से रिवाइव करने लगता हूँ। जब रिवाइव भी कर रहा था तब सामने की तरफ से डासिया का साउंड आ रहा था और सागर ने बताया था कि वो बाइक वाले का जिसका पीछा किया था मैंने उसको हमारा 4 नंबर ख़त्म कर दिया है। तो मैं 2 नंबर को बोलता हूँ फटाफट यहाँ से हेल्थ लगा के निकलना ही सही रहेगा, लोकेशन शिफ्ट करना पड़ेगा वरना आगे पीछे से कोई भी मार। तो इन लोग को थोड़ा डैमेज देके सीधा बग्गी उठाया और यहाँ से निकल लिया। तभी हमारा 2 नंबर का कॉल आता है, देखो। Enemies ahead. राइट साइड में सामने नंबर के सामने है। तो यहाँ पे गाड़ी रख के क्लोजिंग करने लगा। दो नंबर बोल रहा था कोई लेटा हुआ है पेड़ के पास। चोरी हो गया सागर, ये पूरा मरा था। और उतने में हमारा 4 नंबर नॉक, देखो कैसे बचाता हूँ इसको। डेड है। तो मैं गाड़ी उठा के निकल लिया अपार्टमेंट की तरफ। तभी मुझे पता चलता है शायद एक स्क्वाड या फिर 2 स्क्वाड मेन बिल्डिंग में होल्ड किया। देखो कैसे मारता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग आपस में फाइट करेंगे तभी मैं पुश करूँगा, तो मुझे मौका मिलता है। Watch out! तो ये डायरेक्ट किल होते मुझे पता चल गया कि इस बिल्डिंग में और कोई नहीं बचा। तो तभी मुझे बाजू वाले बिल्डिंग से फायर का आवाज़ आया था, देखो कैसे ओपन में पुश करता हूँ और नेट पिन किया।
बूम। तो नॉक करते ही हमारे बंदे को बोल देता हूँ क्लोज इन कर लो, और भी बंदा है, पुश करके मार देंगे। देखो कैसे पकड़ते हैं इन लोगों को। और उतने में हमारा दो नंबर और एक नेड करता है, और ये स्क्वाड पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ से निकल के हम लोग चले गए पोचिंग की तरफ। इधर बंदा है, देख क्या तुम लोग उधर से नॉक निकालो, मैं इधर से पुश करता हूँ। उतने में हमारा चार नंबर नॉक और दो नंबर भी, और दो नंबर को किसने नॉक किया उसका नाम याद रखना भाई। तो आगे जाके ये जो था ना ग्लेशियर वाला बंदा, इस स्क्वाड को पूरा अकेला मारता हूँ मैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सिचुएशन ऐसा होता कि इधर मैं पहले सोचा कि भाई पहले एक नॉक निकालूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, वो लोग बिल्कुल होल्ड किए थे। तो मैं सोचा इनको रिवाइव कर दूं, कि तब तक पता चला मुझे कि जाते जाते दो नंबर ब्लीड होकर मर जाएगा। कोई नहीं, चार नंबर को बचाते हैं और उसको रिवाइव करके सीधा लेके आता हूँ स्क्वाड हाउस के तरफ, ताकि क्लोज इन फाइट ले सकूँ। देखो कैसे सीन होता है हमारे साथ और कैसा फाइट करते हैं हम लोग, और उस स्क्वाड को पूरा कैसे मारता हूँ अकेले, बिल्कुल अकेले। देखो यहाँ उतर के सबसे पहले तो बिल्कुल स्क्वाड हाउस के बिल्कुल बगल में जो घर है उधर जाता हूँ और एक नेड पिन करता हूँ। देखो कैसे फोड़ता हूँ इसको, शायद शॉप में साउंड सुनाई दे रहा था। देखो और उसका गन भी ग्लिच में दिख रहा था, और उतने में उसको नॉक करते ही तुरंत मेरे ऊपर और एक नेड आता है। इससे समझ गया कि मैं मतलब एक बंदा नहीं, एक से ज़्यादा बंदे हैं। और हेल्थ किट लगाता हूँ, और क्लोज इन करने लगा। शायद तक वो मॉली से नहीं मरा, मतलब इसका मतलब शायद वो पीछे चला गया, मतलब शॉप होता ना इधर शॉप काउंटर उधर चला गया। देखो एक एक करके कैसे पकड़ता हूँ इन लोगों को। Marked a location. Awesome. इन दोनों को नॉक फिनिश करते ही वो ग्लेशियर वाला बंदा फिर से हमारा चार नंबर को नॉक कर देता है। और देखो पहले तो फटाफट इसको रिवाइव करता हूँ, और वो ओपन में पुश करता है मेरे तरफ। देखो कैसे मारता हूँ उसको, कैसे प्री फायर मारता हूँ। ओ भाई साहब, और ग्लेशियर चमका ब्रो। भाई अब तक वीडियो देख रहे हो तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ब्रो। ये तीसरा बंदा भी नॉक हुआ था, तो इससे पता चल गया मुझे कि इसका चौथा बंदा अभी भी जिंदा है। वो सामने रहा चौथा बंदा, उसको नेड करता हूँ। ब
बस इस स्क्वाड पूरा खत्म। लेट्स फाइट टुगेदर। तो उसके बाद इधर स्क्वाड उसमें होल्ड ही किया था जो जोन के बाहर के तरफ से बंदे आते हुए दिखे। देखो एक बंदा तो वो बॉस के पास आ चुका है और घर में भी बंदा है, और देखो कैसे तीसरा बंदे को नॉक करता हूँ और क्या सीन होता है मेरे साथ। इसको नॉक करते ही थोड़ा अंदर गया और नेड पिन करने लगा कि तभी, अरे भाई ये मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहा था भाई। मुझे पता था वो घर में बंदा है लेकिन उसको बिना एक्सपोज हुए मुझे नेड करना था, लेकिन यही गलती कर दिया मैंने। और चार नंबर का हाल देखो कहां से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, ख़त्म। तो इसके साथ हम दूसरे मैच की तरफ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे आते ही पता चलता है उधर बंदे हैं, और मार्क भी कर देता हूँ और नेड भी करता हूँ। और वो लोग भी अच्छे बंदे थे और मेरे ऊपर नेट डाल चुके थे ऑलरेडी। तो दूसरा नेट पिन करता हूँ, चल चल भाई चल भाई। तो इसको नॉक करते ही तुरंत हम लोग क्लोज इन कर दिए और पता चलता है सैक के अंदर है। मोली डाला, और दूसरा बंदा भी अंदर ही था, को नॉक फिनिश करके यहाँ से निकल लिया हम लोग अपार्टमेंट के तरफ। तो अपार्टमेंट पे पहुँचते ही मुझे पता चलता है मेन बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा मतलब भाग रहा है इधर उधर पता नहीं किस चीज़ के लिए। और देखो एक एग्जैक्ट नेड फेंकता हूँ और उसका काम तमाम करता हूँ। भी तो अभी हमारा दो नंबर का कॉल आता है, पीछे भी बंदे हैं। तो लोग शायद हम लोग के ऊपर क्लोजिंग कर दिए थोड़ा। तो देखो कैसे पकड़ता हूँ स्क्वाड को और पूरा मारता हूँ अकेले। खत्म हो गया, इन तीनों को नॉक कर दिया था। शायद इसका चौथा बंदा इधर नहीं था। सब लोग को फिनिश करके हमारे बंदे को रिवाइव करता हूँ। इसको रिवाइव करके हेल्थ किट लगा ही रहा था कि तभी मुझे पहाड़ की तरफ से गंदे तरह से फाइट होने का आवाज़ आता है। देखो कैसे मारता हूँ उसको, शायद तक दो स्क्वाड था। देखो कैसे किल उठाता हूँ, कैसे फ्लैंक करके मारता हूँ इन सबको। बोल देता हूँ दो नंबर को थोड़ा थोड़ा फायर करता रहे उधर से, ताकि तेरे तरफ उनका ध्यान जाएगा तो मैं लेफ्ट से जाके उनको मार सकता हूँ। दो नंबर बिल्कुल ऐसा ही करता है, बीच बीच में फायर करता है और डैमेज भी देता है। और मैं धीरे धीरे लेफ्ट से क्लोज इन करने लगा। देखो कैसे मारता हूँ इन लोगों को, सारे
नहीं आ रहा। ये स्क्वाड खत्म हुआ, ये स्क्वाड खत्म हुआ, शायद इधर है डीपी वाला। ठीक है देख के रुको, मैं आ रहा हूँ कि तभी मुझे गंदे तरीके से गोली पड़ता है। देखो और मैं नॉक, और फिर से हमारे दो नंबर के लिए मार कर देता हूँ भाई। इधर है बंदा, मार भाई उधर से। और यही गलती करता है वो एनिमी, ओपन में आता है और हमारा दो नंबर उसको आराम से निपटा के मुझे रिवाइव करता है। तो वहाँ से निकल के हम लोग पहुँच गए थे पोचिंग की, तो पेड़ दिख रहा है शायद ये आसपास एक बंदा कहीं पे लेटा हुआ है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था उसका एग्जैक्ट लोकेशन। देखो कैसे मारता हूँ उसको, पेड़ के पास। इधर से वो पीक भी नहीं कर रहा था, मैं सोचा कि थोड़ा राइट से जाके एंगल बनाऊं और उसको आराम से मार सकूं। बिल्कुल यही होता है मेरे प्लान के मुताबिक, वो उधर ही था, वो हमारे दो नंबर को देख रहा था और मैं बिल्कुल बगल से उसको मार दिया। इसको फिनिश करके हम लोग स्क्वाड हाउस पे होल्ड किए थे कि तभी गाड़ी आ रही, वॉच आउट, दो नंबर का कॉल आता है। देखो पैर लगा, इसको फिनिश मत करना ठीक है, पड़े रहने दो, ताकि बचाने आएगा तो आराम से मार सकते हैं हम लोग। लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आता और ये अपने आप ही फिनिश हो जाता है पड़े पड़े। बिल्कुल अकेला लास्ट बंदा बचा था, हम लोग सोचे कि उसको जाके पुश करके मार देते हैं। तो यहाँ आते ही हमको पता चलता है बिल्कुल बगल वाले घर में वो बंदे का फूट आ रहा है। एक नेट करता हूँ पहले, और सोचा कि M24 से मारूँ। देखो वो बंदे का हालत देखो, क्या कर रहा देखो, बिल्कुल सामने लेटा हुआ। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं M24 से मारने के लिए। ओ भाई साहब,